प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई अहम फैसलों को दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल ने NEP के तहत नए टीचिंग लर्निंग ऐप एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस कार्यक्रम को दी मंजूरी। कल वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैंड वॉश के किए जाएंगे कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4,01,306। प्रदेश का रिकवरी रेट पहुंचा 90.24%। और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ कल से प्रदेश में खुलेंगे सिनेमा घर और PVR। हर शो के बाद किया जाएगा सैनिटाइजेशन। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP के तहत नए टीचिंग लर्निंग ऐप एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब शिक्षा रट्टा लगाकर नहीं बल्कि उसको समझकर सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट ने। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम ADB के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,000 800 करोड़ का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए होगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से नागरनार स्टील प्लांट को डीमर्जर कर उसमें सरकार की हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश करने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए ADNOC मॉडल के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, UAE की प्रमुख नेशनल कंपनी है ऑयल की, उन्होंने भारत में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल भारत में रखा है, इससे भारत की ऑयल की भी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, हमें स्टोरेज भी मिला है और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, सारा खर्चा उस कंपनी ने उठाया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे जो संबंध बने हैं अच्छे, उसकी यह मिसाल है कि इस तरह का रिजर्व उन्होंने यहां भारत में तैयार किया और इसके लिए अप्रैल में ही निर्णय हुआ था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सस्ते दाम में तेल खरीदने के लिए पैसे देने का, 3,874 करोड़ जो देने का निर्णय हुआ था उसको आज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश में ग्लोबल हैंड वॉश डे पर हैशटैग का लोकार्पण करेंगे। आज लखनऊ में लोकभवन में प्रेस वार्ता के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि कल 10 बजे से 12 बजे तक सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ धुलने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने फोटो और वीडियो हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना पर डालें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए अभियान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के तहत हाथ धुलने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कल 15 अक्टूबर है, कल वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक हैशटैग का लोकार्पण करेंगे। कल प्रातःकाल में सभी प्रदेश के नागरिकों से, स्कूली बच्चों से, छात्र छात्राओं से अनुरोध है, सभी प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध है कि वह अपना हाथ धोते रहें। और कल चूंकि वर्ल्ड हैंड वॉश डे है, कल विशेष रूप से हाथ धोएं और अपने हाथ धोते हुए की फ़ोटो उस हैशटैग के साथ टैग करके भेजें। कल दिनांक 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, अर्थात हाथ को साफ रखने का दिवस। कल के दिन हम एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं और संकल्प लेते हैं 15 अक्टूबर को कि अपने हाथ को हम साफ रखेंगे और कोरोना को रोकने में और इसकी चेन को तोड़ने में अपने हाथ को साफ रखने का बहुत बड़ा महत्व है। साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहिए, इससे कोरोना की चेन टूटती है, संक्रमण कमजोर पड़ता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं जाता। कल इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 10 से 12 बजे के बीच प्रातःकाल इस कार्यक्रम का वो आयोजन करें और इसमें 10-10 लोगों के समूह को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए साबुन पानी से हाथ साफ करें, उसकी तस्वीर लें, फोटो खींचें, उसका वीडियो लें और उसको अपलोड करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फलों और दालों के दामों में कमी करने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाला जाए और दालों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने तेजी से धान खरीद करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अब तक 3 गुना धान खरीद प्रदेश में की जा चुकी है। किसानों का धान तेजी से खरीदा जाए और धान क्रय के 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पूरा धनराशि किसानों को हस्तांतरित कर दिया जाए। प्रदेश में 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं। इस साल लगभग अभी तक 31,548 मीट्रिक टन की धान का खरीद हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 1,347 मीट्रिक टन धान क्रय की गई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष से लगभग 30 गुना धान इतने समय में अधिक खरीदी गई है। किसानों से अनुरोध है कि अपना धान क्रय केंद्र पर लाएं, धान को सूखा के लाएं और ताकि उनको अच्छा उसको क्रय किया जा सके। राजस्व विभाग की जो हेल्पलाइन है वो 1070, उस पर जो विभिन्न कॉल आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि सब्जी व दालों के दामों को भी नियंत्रण करने का अभियान चलाया जाए। आलू कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाल के बाजार में